You all share a very excellent chemistry, in fact, like in spite going ups and down in your life, in fact, like, you know. तमाशे की बात करते तो आप मानते हो कि जिंदगी एक तमाशा है, आशा है, निराशा है, एंड हाउ मच डू यू बिलीव इन द डेस्टिनी ऑल्सो ऑफ द क्रिएटर और ऑफ द क्रिएटर इन फैक्ट, एंड डू यू अगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इनके दीपिका ने आपको प्रपोज किया तो व्हाट वुड बी योर रिएक्शन, एंड द सेम थिंग गोज विद रणवीर ऑल्सो, मतलब फिल्म में लाइफ में, बिकॉज़ डेफिनेटली आई वी कैन स्टिल सी द केमिस्ट्री. सर एक सिंपल सा सवाल पूछ लो, ये बहुत ही मतलब तीन सवाल. हां आपने गॉड क्रिएशन से लेकर यहां तक सब, मैं एक्चुअली माइक नहीं लेगा शायद, इसीलिए मेरे दो तीन सवाल एक साथ ही मैंने कर दिए. बेसिकली ही वांटेड टू गेट टू द लास्ट पार्ट बट ही वाज लाइक अब कैसे पूछूं, सो ही इज गॉन लाइक फुल 360. I think sir, क्या है कि first is destiny actually, मतलब first is that, yeah, तमाशा है, हम जिंदगी भी तमाशा है. जैसे शेक्सपियर जी ने कहा था कि all world is a stage and we are merely actors. I think उसी को लेकर हमने ये टाइटल रखा है. तमाशा also means spectacle, entertainment. फिल्म भी एंटरटेनिंग है, इट इज़ अ स्पेक्टिकल. तो हम तमाशा एक बुरी तरह नहीं कहना चाह रहे कि आपने एक क्या तमाशा लगा रखा है, उस तरह नहीं बोला जा रहा. आई थिंक जो आपका तीसरा पार्ट है आपके क्वेश्चन का, यू नो हम दीपिका और मैं अभी 8 साल हो गए, हम यू नो हम फिल्म इंडस्ट्री में हमारी शुरुआत 8 साल पहले हुई थी, एंड आई थिंक वी वर्क वेरी हार्ड टू मेक इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़. 7 साल में गवर्नमेंट बदल गई है, गोलमाल के 3 पार्ट्स बन चुके हैं, यू नो आप 8 साल और आपकी उम्र बढ़ गई है, हमारी उम्र बढ़ गई है, और हम यही कोशिश करते हैं कि यू नो एज इंडिविजुअली एज एक्टर्स लोगों को हमारा काम पसंद आए, तो हम अपना पर्सनल लाइफ और पर्सनल हिस्ट्री बेचने की कोशिश नहीं कर रहे. यू नो वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू द बेस्ट टू आर कैपेबिलिटीज एज एक्टर्स, और यही कोशिश करते हैं कि व्हाट वी ब्रिंग इन एज एक्टर्स वो ऑडियंस को पर्दे पर पसंद आए, एंड इट डजंट रियली रिफ्लेक्ट कि व्हाट आर हिस्ट्री इज और हमारी पर्सनल रिलेशनशिप कैसे है. वेल दीपिका, व्हाट हैव यू टू से? वही सेम, आवर केमिस्ट्री इज सो गुड दैट वी यूजुअली एग्री विद ईच अदर. बट नो आई थिंक इट्स एग्जैक्टली दैट. बहुत अजीब लगता है जब लोग ऐसे सवाल पूछते हैं. बट देयर इज मच मोर दैट गोज इन टू अ रिलेशनशिप दैन जस्ट केमिस्ट्री. आई थिंक वॉट आई वैल्यू एंड रिस्पेक्ट मोर इज दैट वी हैव अ ब्यूटिफुल फ्रेंडशिप एंड अ फ्रेंडशिप फॉर लाइफ, एंड आई थिंक दैट्स वॉट वी रिस्पेक्ट अबाउट ईच अदर द मोस्ट. हेलो रणवीर जी, आरती सर, मेरा सवाल है कि हेलो कि ना ये तमाशा फिल्म, मेरा नाम जोकर की मॉडर्न ये नहीं है, मेरा नाम जोकर आई थी एक बार राज कपूर जी की जी, ये इसका मॉडर्न वर्जन है तमाशा? नहीं मॉडर्न वर्जन नहीं है एक्चुअली, वो फिल्म भी नहीं चली थी तो हम उसका मॉडर्न वर्जन नहीं बनाएंगे. बट ऑफकोर्स यू नो राज कपूर की फिल्म एक तरफ यू नो उनको हम टच नहीं कर सकते, वो एक्चुअली मेरा नाम जोकर उस वक्त नहीं चली थी, बट अब देखा जाए तो बहुत ही क्लासिक जैसी फिल्म है. लेकिन ये नहीं है, एक नई कहानी है. इम्तियाज़ बड़े दिल से एक ओरिजिनल कहानी लिखते हैं, और ये भी बहुत अच्छी बात होती है कि इम्तियाज़ जो भी करे यू नो अपने कैरेक्टर्स को कॉर्सिका लेकर जाए, जापान लेकर जाए, जो फिल्म की जो जड़ होती है वो बहुत ही हिंदुस्तानी होती है, जो कैरेक्टर्स होते हैं. तो तमाशा उसी का है कि वो जो शुरुआत होती है वेदवर्धन साहनी की, मेरे कैरेक्टर की, वो शिमला में होती है, और वो तमाशा और कहानियों के दुनिया में खो जाता है, वो उसकी ड्रीम्स और इमेजिनेशन. रणवीर जी, आपको अगर रोल के लिए वेट बढ़ाना पड़े, उन पर जो बायोपिक बन रही है मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनकी जैसे लगूं, यू नो अगर उनका जो बॉडी टाइप थिन था, अगर उन्होंने यू नो थोड़े मोटे हो गए थे एक समय में, तो आई थिंक एज एन एक्टर ये हमारा कर्तव्य है कि हम ऑडियंस को एक बिलीवेबिलिटी दे स्क्रीन पर, कि जब हम पर्दे पर नजर आए तो लगेगा कि अरे ये यू नो रणबीर या दीपिका नहीं है, ये वो कैरेक्टर्स हैं. तो बहुत ज़रूरी होता है टू एक्चुअली हैव अ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो. हाय रणबीर, ओवर हियर. लेकिन सच बोलूँ तो 8 साल से बॉडी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ बनी नहीं है, मैं सेम सिंगल पसली हूँ. रणबीर, ओवर हियर. यू एंड दीपिका आर कंपेयर्ड. मैंने अभी तक वो डिसाइड नहीं किया कितने केजीज लगाऊंगा, बट जब फिल्म शुरू होगी शायद जब डिस्कशंस होंगे तब आई गेस आई विल बी क्लोजर टू नो हाउ मच. रणबीर, यू नो यू एंड दीपिका आर कंपेयर्ड टू शाहरुख एंड दैट थिंग. रियली एक्साइटेड, यू नो दिलवाले इज इंडस्ट्री की बहुत बड़ी फिल्म है, लव द ट्रेलर, एंड रियली एक्साइटेड. जब शाहरुख और काजोल कोई फिल्म में आते हैं या गाना करते हैं तो आई थिंक सब फैंस को यू नो वो बेताबले होके एक्साइटेड
वेट करते हैं. तो मैंने खुद गाना देखा नहीं है, मेरे दोस्तों ने गाना देखा है, शाहरुख सर ने उन्हें दिखाया था और वो बहुत तारीफ कर रहे थे. बट यस, आज मराठा मंदिर में एक इवेंट है, आई गेस ऑल यू गाइज आर गोइंग देयर फ्रॉम हियर, सो आई एम एक्साइटेड एज मच एज यू गाइज आर, वी आर एज मच फैंस ऑफ देयर्स एज यू आर. Deepika? Ranbir, recently exactly, you I think said we're, that we're both, in fact, like we said earlier, we were doing a question answer thing once and they were like, which film would we have liked to be a part of? And we both said Dilwale Dulhaniya Le Jayenge. I think we belong to that generation where that film as a love story has really impacted our lives. You know, so I think like all their other fans, you know, we belong to that fan group. You know, and we're really, really looking forward to seeing them together on stage. हम अभी कोई शो में गए थे और मैं कह रहा था कि जब कुछ कुछ होता है रिलीज हुई थी तो आई थिंक हम सब सोचने लगे कि हम राहुल है. तो मैंने भी वो पोलो टी शर्ट खरीदी थी जहाँ पोलो लिखा था और वो कूल नेकलेस खरीदा था. शी इज टू वेयर द काजोल हेयर बैंड्स. सो शाहरुख सर एंड काजोल मैम हैव रियली इम्पैक्टेड यू नो अ जनरेशन विच आई डोंट थिंक दे आर अवेयर ऑफ ऑल्सो यू नो इवन द जनरेशन आफ्टर अस. जब हम उनसे मिलते हैं, they all have been, you know, so influenced and inspired by them that we are just excited and amazed that they're still, you know, their chemistry meter is beyond Palang Tod also, you know, it's another level of chemistry what they share. Ranbir, recently you said, you uske kuch 4-5 meanings nikal aate, but I said it in a fun way, you know, jaise maine jawani mein bhi kaha tha ki flirting sehat ke liye acha hota hai, it's like yoga. To main ye nahi keh raha ki ye flirt hai aur ye, you know, kuch gadbad kar rahi hai. I was just teasing her, so don't take a very dirty meaning out of it. Also, ये अच्छी लड़की है, संस्कारी है. So you've said that coming back to Deepika is like आप हो कहाँ? अच्छा. Also, you've said that you know coming back to Deepika is like दाल चावल. Again, I will explain that statement. You know क्या होता है कि आप चार पांच words ले लेते हो और आप खुद आप एक headline बना देते हो. तो मैं clarify कर रहा हूँ, तड़का वड़का दाल मक्खन सबके साथ, कि मैंने कहा था जब मैं दीपिका के साथ काम करता हूँ, I'm so comfortable. You know, इतना अच्छा लगता है, you know, it feels like going back home or the comfort of दाल चावल. तो suddenly अगले दिन जब मैंने headline पढ़ा is Deepika is दाल चावल, तो ऐसा नहीं कहा मैंने. I said working with her feels like eating दाल चावल because अच्छा लगता है, you know, I feel good working with her as an actor. And there was one more thing where Deepika had said that she still loves Ranbir. So hey, one second, he also said he still loves me. Y'all can ask him also. That was not what you were saying. He ate a second spoon of Chyawanprash. I was just reading some things online and they're like, oh, she said this. Arre, he also said, yaar. Aajkal bahut bahut khatarnak hai, yaar. You ek shabd bol dete ho, uske 4-5 meanings aate. Then agle 18 press conferences mein wohi, you know, we're trying to contradict it. But main aise nafrat to karta nahi hu. You know, she's a big part of my life. She's a big part of all our lives. You know, I'm a big fan of hers. She's a really dear friend. So of course I love her. I'm not going to say I hate Deepika or I like her or I like her little bit than like but little less than love. Aisa to kuch hai nahi. So it was said in that sense. It wasn't said ke, you know, going back again 7 saal pehle jab Golmaal 1 ki shooting ho rahi thi aur government ko ye dusra government tha. Ranbir, this is Rajinder Singh. Hello Ranbir. Sachikal bhaji. Sachikal Deepika ji, aap dono ke liye mubarakbad ki almost you have won the battle half, kyunki music bada acha laga hame is film ka. कहते हैं जिस फिल्म का म्यूजिक अच्छा हो फिल्म हिट हो जाती है. आपका क्या कहना है इसके बारे में? दोनों क्या सोचते हैं आप? बहुत अहम हिस्सा है म्यूजिक एक्चुअली. जब फिल्म की ओपनिंग लगती है तो आई थिंक ज़्यादातर म्यूजिक के दम पर लगती है. जब हमने हमारी पिछली फिल्म ये जवानी है दीवानी की थी, उसमें इतने सुपरहिट गाने थे और जिस तरह से यू नो ऑडियंस आई थी फिल्म देखने के लिए, वो म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ था. जहाँ तमाशा का सवाल है, ये जवानी है दीवानी जैसे पॉपुलिस्टिक म्यूजिक नहीं है, बहुत स्टोरी टेलिंग में घुसी है म्यूजिक, तो हमें बहुत पसंद है. आई थिंक ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम ये मेरी दूसरी फिल्म है ए आर रहमान साहब के साथ. जो भी वो गाने देते हैं वो सिर्फ एक महीने और दो महीने नहीं रहते, वो सदियों तक रहते हैं. तो अच्छा लगता है और हम और यही आई गेस एक कन्विक्शन है कि जब लोग फिल्म देखेंगे उनको म्यूजिक और बेटर लगेगा, क्योंकि वो आई थिंक वो फिल्म में और समा जाती है फिल्म.